उसने वास्तव में उसके सभी स्टूडेंट्स के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वास्तव में उसके स्टूडेंट्स इस लेवल के ऊपर पहुंच चुके थे, क्योंकि कॉम्बैक्ट मास्टर होल, जहर होल और यहाँ पर जो ग्लेशियर प्लेन कोर्ट है, ये कोई नॉर्मल चीजें नहीं थी। ये यहाँ पर शेन कबीले से भी ऊंचे स्तर के ऊपर आया करती थी। हाँ, अगर ऊंचे भी नहीं तो इनको कम भी नहीं कहा जा सकता था। और यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद में जो विपिन लियावसी था ना, उसका खून यहाँ पर रगों के अंदर दौड़ने से लगा था। ऐसा लगा था कि किसी भी पल यहाँ पर उसकी नसें फट जाएगी और उसका खून वहाँ पर बाहर निकलकर आ जाएगा। और अब जो विपिन लियावसी के अंदर थोड़ा बहुत भी डर था ना, वो पूरी तरह से दूर हो चुका था। वो वहाँ पर विपिन से कहता है, टीचर अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? अब आप जो मेरे से कहेंगे ना, मैं वैसा ही करूँगा। अगर आप कहेंगे कि पहाड़ से कूद जा, तो मैं वहाँ से भी कूद जाऊंगा। बस अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। वहीं विपिन लियावसी की वो बात सुनने के बाद में विपिन ने उससे कहा, क्या तुम मेरा यहाँ पर स्टूडेंट बनना चाहोगे? वो भी नॉर्मल नहीं, डाइट स्टूडेंट। अगर यहाँ पर तुम इस टूर्नामेंट के अंदर चैंपियन बन जाते हो, तो उसके बाद में मैं तुम्हें अपना डाइट स्टूडेंट बना लूंगा और तुम होंगे मेरे यहाँ पर 8वें डाइट स्टूडेंट। जैसे वहाँ पर विपिन ने वह शब्द कहे, विपिन लियावसी के रोंगटे खड़े हो चुके थे। क्या डाइट स्टूडेंट? डाइट स्टूडेंट वो भी यहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर का? यहाँ पर अब उसको लगने लगा था कि आज वो यहाँ पर सपने देख रहा था वास्तव में, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। उसको यहाँ पर स्वर्ग का देवता माना जा सकता था। और यहाँ पर पहले थे सुप्रीम मास्टर टीचर, जो थे उनके मास्टर शेख। वह कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, वह पावरफुल व्यक्ति थे। उनके 72 स्टूडेंट थे, जिनमें से यहाँ पर सभी की एक अलग छवि बन चुकी थी। पिल्लियाओं से बिल्कुल भी ये बिल्कुल नहीं सोच सकता था कि वह यहाँ पर इस लेवल के ऊपर होने के बाद में किसी सुप्रीम मास्टर टीचर का स्टूडेंट बन सकता था। लेकिन अब विपिन लियावसी को समझ में आ गया था कि अगर अब उसको यहाँ पर कुछ करना है ना, तो उसको सीधा अब विपिन का स्टूडेंट बनना होगा। और उससे कहता है, टीचर अब आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा। क्योंकि विपिन लियावसी को अब यही रास्ता लग रहा था कि उसको यहाँ पर साइड के जो कबीले होते हैं ना, उससे निकलकर यहाँ पर अब उच्चतम कबीले के अंदर पहुंचने के लिए यही रास्ता है। उसको यहाँ पर अब अपनी जान भी लगा देनी होगी। वो वहाँ पर विपिन के सामने बिल्कुल दृढ़ संकल्प होकर बैठ जाता है। जब विपिन देखता है कि विपिन लियावसी की आंखें इस तरह चमक रही थी जैसे कि उनके अंदर किसी ने आग लगा दी हो पेट्रोल पटक कर, तो विपिन उससे कहता है, ठीक है जल्दी से मेरे सामने झुको, घुटनों के बल बैठो, वो भी अभी। जैसे विपिन ने वहाँ पर वो शब्द कहे, विपिन लियावसी हिल जाता है। अभी आपने तो ये कहा था ना कि मुझे यहाँ पर पहले टूर्नामेंट जीतना होगा। वहाँ पर विपिन लियावसी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि विपिन ने यहाँ पर कुछ देर पहले ऐसा कहा था कि यहाँ पर उसको पहले टूर्नामेंट जीतना होगा। और यहाँ पर घुटनों के बल बैठने वाला वह सभी कार्यक्रम तभी हुआ करता था जब यहाँ पर कोई डायरेक्ट स्टूडेंट बनाया जाना था। वहाँ पर विपिन उससे कहता है, क्या तुम्हें मेरे पर भी भरोसा नहीं है? और वैसे भी यहाँ पर मैंने तुमसे कहा ना कि तुम यहाँ पर टूर्नामेंट जीतने वाले हो, तो जीतने वाले हो। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम टूर्नामेंट के बाद में ये करें या टूर्नामेंट के पहले। इसी वजह से चलो जल्दी बैठो और मुझे यहाँ पर अपना टीचर स्वीकार करो। वही जल्दी से जो विपिन लियावसी था ना, वह अब बिल्कुल भी शक नहीं करता, क्योंकि वह जानता था कि विपिन ने अगर ऐसा कुछ कहा है ना, तो उसके पीछे भी कोई बड़ा कारण होगा। वहीं जल्दी से जो लियावसी था घुटनों के बल बैठ जाता है और वहाँ पर वह 8 शब्द जो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बॉन्ड बनाता है, वो उसको करने लगता है। उसके बाद में विपिन भी अपने पास में से एक टोकन निकालता है, उसके ऊपर खून की बूंद गिराता है और विपिन लियावसी को दे देता है। ठीक है विपिन, अब तुम यहाँ पर मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट बन चुके हो, आज से तुम्हारी रक्षा करना मेरा काम है। टीचर अब मुझे यहाँ पर क्या करना है मुझे बताइए, क्योंकि हमारे पास में केवल एक दिन है, हम एक दिन के अंदर यहाँ पर क्या कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब विपिन और विपिन लियावसी दोनों के पास में कोई ज्यादा समय नहीं बचा था, तो विपिन लियावसी ये सोच रहा था कि अब उन्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए। अब विपिन एक तरफ देखने लगता है, ऐसा लग रहा था कि वो कोई बड़ी चीज को देख रहा था। वह वहाँ पर विपिन लियावसी से कहता है, अब हमारे पास में कोई और चारा नहीं है, हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अब हम यहाँ पर केवल एक ही चीज का यूज कर सकते हैं, वह है यहाँ का शेन कबीले का समय टावर, जिसको यहाँ पर रक्त भंडार भी कहा जाता है। विपिन की वो बात सुनते ही यहाँ पर विपिन लियावसी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपना सर खुजलाने लगता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे यहाँ पर विपिन को समझाए, लेकिन वो वहाँ पर अपने दिल के ऊपर पत्थर रखता है और कहता है, ऑल इज वेल। और वहाँ पर विपिन को बताता है, टीचर बात कुछ ऐसी कि जिस जगह की आप बात कर रहे हैं ना, रक्त भंडार, जहाँ पर समय का खेल खेला जाता है,
वो वास्तव में कोई नॉर्मल जगह नहीं है। वहाँ पर केवल कबीले के जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं या वीआईपी लोग हैं ना, वही वहाँ पर जा सकते हैं, और हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल साइड के कबीले के अंदर से आते हैं। इसी वजह से मुझे माफ करना, लेकिन टीचर हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। लेकिन जहाँ पर विपिन लियाओ से इसी तरह से कह रहा था ना, तो विपिन उससे कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना यहाँ पर, तुम्हारा टीचर यहाँ पर अभी तक जिंदा है। आखिरकार तुम्हारे टीचर के होते हुए कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। वैसे विपिन के पास में और कोई चांस बिल्कुल भी नहीं था, उसको यहाँ पर ऐसा ही कुछ करना होगा। और उसको यहाँ पर कम से कम हुसैन की जितने पावरफुल बनने के लिए विपिन लियाओसी की पावर को कम से कम संत स्टेज 3 या 4 के अंदर तो पहुंचाना होगा ना, ताकि वहाँ पर उसकी पावर इतनी बढ़ जाए कि वो अपने आगे आने वाले कभी किसी भी लड़ाकों के साथ में लड़ सके। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर उसकी वह शब्दों को सुनने के बाद विपिन लियाओसी हिल जाता है, टीचर आप क्या कह रहे हैं, क्या आप मुझे वहाँ पर अंदर लेकर जाने वाले हैं। वहीं वहाँ पर विपिन उससे कहता है, तुम बस चुप रहो और मेरे पीछे पीछे आओ, चलो हम लोग वहाँ पर चलते हैं। लेकिन विपिन लियाओसी है ना अभी तक भी हिचकिच रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि अगर वास्तव में यहाँ पर उस समय गेट के अंदर जाना कोई इतना ज्यादा आसान काम होता, या उस टावर के अंदर जाकर खेती करना, तो उसके बाद में हर कोई शन कबीले का उसके अंदर चला जाता। शायद वहाँ पर उसके अंदर जाने की वजह से यहाँ पर उसके पूरे परिवार को भी नष्ट कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पर अब विपिन तो पीछे पलट ही नहीं रहा था, तो विपिन लियाओसी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जल्द ही वह वहीं पर ही पहुंच जाते हैं जहाँ पर से वहाँ पर विपिन वापस लौटा था। उसके बाद विपिन उस गेट के आसपास थोड़ी बहुत परिक्रमा लगाता है, जैसे कि यहाँ पर वो मंदिर के लगा रहा हो, और उसके बाद में डैंग हल्की सी अंगुली वहाँ पर अपने सामने रखी हुई उस फॉर्मेशन के ऊपर रख देता है जो उस टावर के चारों तरफ लगाई गई थी। जैसा वह ऐसा करता है, वैंग छोटा सा होल वहाँ पर हो जाता है। हाँ, वो इतना छोटा भी नहीं था कि चीटी जाने जैसा, वह कम से कम उनकी बॉडी जितना तो हो ही गया था। उसके साथ में विपिन उससे कहता है, ठीक है चलो जल्दी से अंदर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी वल वापस से बंद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी हैरान तो था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसे टीचर कह रहे हैं तो उसको वैसा ही करना होगा। जल्दी से वो दोनों अब अंदर की तरफ चले जाते हैं। हाँ, हालांकि जैसे वो अंदर घुसते हैं ना, तो उसके साथ में यहाँ पर जो होल वहाँ पर बना था ना, वो वापस से बंद हो जाता है। लेकिन जहाँ पर विपिन लियाओसी अंदर की चीजों को देखता है, तो उसके शरीर के अंदर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर उसका खून उछल कूद कर रहा हो, और ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी पल वो बाहर निकल कर आ जाता हो। उसकी एनर्जी थोड़ी सी इधर उधर हिल भी रही थी। लेकिन वहीं विपिन लियाओसी के सदमे से बिल्कुल अलग विपिन के पास में बिल्कुल भी समय नहीं था। वो सगता है, विपिन लियाओसी क्या देख रहे हो, चलो लग जाओ काम पर और अपनी साधना को आगे बढ़ाने लगो। हाँ हाँ टीचर, जल्दी मैं भी बैठता हूँ। उसके साथ में ही विपिन लियाओसी वहीं पर ही बैठ जाता है और वहाँ पर अपने रक्त रेखा को वहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन कुछ पल पल बाद में वो वापस से वहाँ पर खड़ा होता है। बड़ा ही निराश लग रहा था। वो उससे कहता है, टीचर मुझे माफ करना, लेकिन मैं वास्तव में यहाँ पर इसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहा। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन लियाओसी इसके बारे में सोच रहा था कि आखिरकार शेन कबीला यहाँ पर छोटी कबीलों को यहाँ पर अंदर क्यों नहीं आने देते। लेकिन उसका मेन मुद्दा ये नहीं था कि शेन कबीला बहुत ज्यादा लालची था या बहुत ज्यादा कंजूस था। उसका मेन मुद्दा ये था कि यहाँ पर वही लोग आ सकते थे जिसके जो खून का भाव था ना, वह थोड़ा शुद्ध हो। लेकिन यहाँ पर जो विपिन लियाओसी था, वह बाहर के कबीले के अंदर से था। इसी वजह से यहाँ पर उसकी जो रक्त रेखा थी, वह इतनी ज्यादा शुद्ध भी नहीं थी। वही विपिन अपना सिर लाता है और उससे कहता है, हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, अपनी सफलता को बढ़ाने की कोशिश करो, जब तक मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं। उसके साथ में विपिन अब वहाँ पर विपिन लियाओसी को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। वह यही सोच रहा था कि वह क्या करे। वह मनी मन के अंदर बोलता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, आखिरकार मैं क्या करूँ जिसके साथ में यहाँ पर मैं विपिन लियाओसी की ब्लड लाइन को अवेकन कर सकूँ। लेकिन जैसे वो ऐसा सोचता है कि बैंग हल्की सी आवाज सुनाई देती है और अगले पल उसके माथे के अंदर से गोल्डन पेज निकल कर बाहर जाता है। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर उस गोल्डन पेज को बाहर निकलते हुए देखकर विपिन चौंक जाता है, हे तुम अंदर जाओ, बाहर क्या कर रहे हो, अभी तुम्हारे को मैंने नहीं बुलाया। लेकिन जो वो गोल्डन पेज था ना, वो सीधा विपिन लियाओसी की तरफ बढ़ने लगता है। अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, नहीं उसको मारना नहीं है। वहाँ पर उस पेज को विपिन लियाओसी की तरफ बढ़ते हुए देखकर विपिन की पूरी तरह से टिपटिप गोल हो गई थी। वहाँ पर उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि एक बड़े बड़े जो लड़ाकू होते हैं ना, वो भी यहाँ पर इसकी पावर को नहीं सहन कर पाते, यहाँ तक कि भयानक भी नहीं। तो विपिन लियाओसी के ऊपर अगर ये पेज गिर गया जाके, तो उसके साथ उसका क्या होगा। उसके साथ में अब विपिन की निगाहें बिल्कुल उस पेज के ऊपर लगी हुई थी। लेकिन अगले पल यहाँ पर जो पेज था ना, वो सीधे विपिन लियाओसी के फोरहेड के अंदर घुस जाता है। ये क्या हो रहा है, ये उसके अंदर क्यों घुस गया।
वहाँ पे विपिन को झटका लगता है, लेकिन अचानक से अब उसको वहाँ पर विपिन लियावसी की बॉडी के अंदर कुछ महसूस होने लगता है। वो महसूस कर पा रहा था कि जो विपिन लियावसी का ब्लड था ना, वो थोड़ा बहुत एक्टिवेट होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई फिल्टर विपिन लियावसी के अंदर लग गया हो, जो गंदे गंदे कचरे को बाहर निकाल कर उसकी ब्लड लाइन को और भी ज्यादा साफ कर रहा था, जिसके कारण जो उसका भाव था ना, वो बिल्कुल नियंत्रण हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ टीचर, ही क्या हो रहा है? वहां पर विपिन लियावसी ने भी देखा कि उसके साथ में क्या हो रहा था। धीरे धीरे वो महसूस कर पा रहा था कि उसकी जो ब्लड लाइन थी ना, वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगी थी। यहाँ पर वह ब्लड लाइन बहुत ज्यादा शुद्ध हो चुकी थी। वहां पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वहां पर विपिन उससे कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, ये मैंने किया है, लेकिन हाँ किसी को बताना मत। वहां पर विपिन उससे कहता है, हाँ ये मतलब नहीं था कि यहाँ पर विपिन सारा सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता था, चाहे से विपिन लिया उसका डायरेक्ट स्टूडेंट क्यों ना बन गया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो उसका सबसे ज्यादा मेन मुद्दा जो था ना, वो थी उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी। वह यहाँ पर किसी को भी ये नहीं बता सकता था कि उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी और उसके पास में कुछ ऐसी चीजें हैं। उसके साथ में यहाँ पर विपिन लियावसी समझ गया था कि अब उसके टीचर ने ऐसा कुछ कहा है तो उसको करना ही होगा। उसके साथ में विपिन उससे कहता है, ठीक है ये लो सिकर हाई लेवल स्पेस स्टोन्स, और अपनी साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगो। वहीं जल्दी से विपिन लियावसी भी अपनी साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। जल्दी वो यहाँ पर संत स्टेज 6 के प्रथम चरण के ऊपर पहुंच जाता है। वहीं जहाँ पर विपिन लियावसी इसी तरह से काम कर रहा था ना, वही विपिन के दिमाग के अंदर अलग ही काम और अलग ही चीजें चल रही थी। ये कैसे हो सकता है? आखिरकार विपिन लियावसी की उस रक्तरेखा को कहाँ पे गोल्डन पेस्ट ठीक कर सकता है? मैंने तो इसके बारे में सोचा था कि यहाँ पर केवल किसी चटनी या भरता बनाने में काम आता है, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि वास्तव में ये इस काम में भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अब विपिन बहुत ज्यादा डर चुका था। वह स्वर्ग की लाइब्रेरी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से भयभीत हो चुका था। क्या पता किसी दिन यहाँ पर अगर विपिन ने स्वर्ग की लाइब्रेरी के लिए कुछ शब्द बोल दिए तो क्या पता इसके पन्ने बाहर आएंगे, विपिन का भर्ता बनाकर अंदर चले जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता था ना। इसी वजह से अब विपिन अपना मुंह बंद करके वहीं पे खड़ा था। लेकिन उसके बाद में जब वो विपिन लियावसी को देखता है कि वह अब यहाँ पर शांति से 6 के प्रथम चरण के ऊपर पहुंच चुका था, तो वह जल्दी से वहां पर उससे कहता है, ठीक है तुम अब ये मैनुअल लो, यह है शांति से 7 की मैनुअल्स, तुम इसके साथ में अपनी साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। उसके साथ में विपिन लियावसी जल्दी से उस बुक को ले लेता है। ये वही बुक थी जिसके अंदर विपिन की उस स्वर्ग की लाइब्रेरी ने काम किया था, लेकिन उसके साथ ज्यादा बुक नहीं थी। इसी वजह से यहाँ पर उसके अंदर की सारी गलतियों को ठीक नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आखिरकार उसके अंदर एक गलती रह चुकी थी। हाँ हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन विपिन इसको बिल्कुल यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी पूरी तरह से अपनी साधना को सुदृढ़ बनाना है। हाँ वो विपिन लियावसी को भी नहीं देना चाहता था, लेकिन अभी उसके पास में कोई और चारा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन विपिन को पता था कि अगर यहाँ पर विपिन लियावसी इसके साथ में अपनी साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है ना, तो उसका थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला था, क्योंकि ये इतनी ज्यादा सरल भी नहीं था। हाँ टीचर, उसके साथ में विपिन लियावसी उस बुक को लेता है और वहां पर फिर से करने के लिए बैठ जाता है साधना। लेकिन इस बार विपिन को यहाँ पर उस पूरी बुक को समझने में कम से कम कुछ समय लग चुका था, लेकिन इतना समझने के बाद में यहाँ पर